मेरा तो सर ही खा रखा है लोगों ने जब तक। यार ये पता नहीं क्या ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि मुझे जल्दी डिलीवर करना है, और गाड़ी के अंदर फ्यूल भी नहीं है। अबे यार मुझे अपने पैसों से अब ट्रक में फ्यूल ऐड करवाना पड़ेगा। चलो पेट्रोल पंप भी सामने मिल गया, यहीं पे हट आता हूँ। हट जा बे यार सामने से, या वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझे अर्जेंटली इसको डिलीवर करना है फटाफट से लैब के अंदर। मेरा मूड खराब हो रखा है पूरा का पूरा। अबे हट जा बे, बे सॉरी सॉरी। बे ए पीछे देखे बे, तूने किससे पंगा लिया? अपुन को जानता है क्या? अपुन से पंगा लेने का नतीजा क्या है? अरे सॉरी सॉरी यार, थोड़ा दिमाग खराब है, क्या करूँ यार स्टाफ वालों ने। अबे ए, तेरा दिमाग खराब है तो तूने मेरे को धक्का कैसे दिया? अबे किधर जा रहे ला, अभी ठोक देगा तेरे को। ए अपुन से डर नहीं लगता क्या तेरे को? अपुन इधर का बॉस है क्या? ये पेट्रोल पंप अपने का है? अरे अरे ये तो गवर्नमेंट का पेट्रोल पंप है ना। अरे पेट्रोल पंप गवर्नमेंट का, लेकिन इधर का हफ्ता मैं काटता है क्या? इस ट्रक में क्या ले आ रहा है? अरे अरे इस ट्रक में कुछ भी नहीं है। अरे अरे इतना घबरा क्यों रहा है? इस ट्रक के अंदर पक्का तू कुछ गोलमाल कर रहा है, जल्दी बता क्या है इसके अंदर। अरे अरे इसमें कुछ भी नहीं, इसमें लैब के कुछ सामान है। अरे तो सामान है, वो सामान मुझे दे, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है सामान की। अरे वो तुम्हारे मतलब का सामान नहीं है, समझो बात को मेरे। बे तो मुझे जल्दी से सामान दे खाली कर, या तो मेरे को $1,000 दे। अरे मेरे पास तो $10 नहीं, मैं $1,000 कहाँ से दूंगा? अबे तेरे बातली में तेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा क्या? मैं कोई भीख नहीं मांग रहा है, मैं तेरे को बोल रहा है नहीं देगा तो ठोक देगा मैं। अरे मेरा दिमाग खराब ऐसे ही पड़ा हुआ है और तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। अबे तूने मेरे से पंगा ले गए, अब तो तू गया। अरे भागो, ये नंगा पुंगा कहाँ से आ गया? मेरा दिमाग खाने लग गया, इसके हाथ में गन है, मौका मिलते इसकी गन से मैं इसको मारूंगा भी अच्छे से। अबे एक इधर भाग के गया अपुन के साथ पंगा करने का, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता है। एक इधर है, ये ले मिल गया। अरे नहीं, ओ नो। अरे ये क्या, ओ इस भेजिया इसके ट्रक में क्या रखेला है? अबे ए बाप रे, ये क्या फट गया इसका ट्रक तो। अबे इसमें से कितनी गंदी। दोस्तों आज हम निकले हैं राशन खरीदने घर का। ओए मुन्ना, उससे पहले हमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। हे भैया, जब भी तो मैं पेट्रोल पंप के पास में, और उसके बाद भैया हम चलेंगे मस्त ग्रोसरी की शॉप पे। ओए कौन सी ग्रोसरी की शॉप पे आ रहा मुन्ना? ए भैया मैंने देखा टीवी के अंदर मस्त। अरे रे 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 रे, ये क्या? ओए मुन्ना ये कैसा धुआं उड़ रहा है, यहाँ पे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे भैया ये क्या, पेट्रोल पंप पे लगता है बहुत ही बुरा हाल हो गया। ये क्या भैया, इसके अंदर से कैसी गैस लीक हो रही है? ओए मुझे क्या पता। ए दोस्तों ये कैसा ट्रक था जिसके अंदर से लगातार गैस लीक हो रही है? ओए मुन्ने यहाँ पे जरूर कोई ना होगा। अरे यार ये क्या भैया, इसको तो किसी ने गोली मार दी, इसका तो गेम बच गया। अरे बचाओ मुझे। अरे भैया यहाँ पे एक बंदा है रहा। ओए मुन्ना इसको क्या हो गया? ए भैया इसके ऊपर तो कुछ भी खरोच भी नहीं आई, मतलब कि गाइस ये बेहोश हो रखा है। ओए मुन्ना चल इसको बचाते हैं। ए भैया सही कहा गाइस, हमें इसे बचाना ही पड़ेगा। चलो भैया ऐसा करते हैं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे और उसके बाद ग्रोसरी लेने चलते हैं। ओए मुन्ना बात तो तूने सही की, फटाफट से इसको उठा। ए फाइनली इसको मैं ट्रक में डाल दिया। ओए मुन्ना फ्यूल भी टैंक भर दिया, फटाफट से चल लेके। ए चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। इसको मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करना है, लेकिन गाइस इसके ऊपर कोई खरोच वगैरह तो नहीं, ना ही इसको कोई गोली लगी, तो ये बंदा बेहोश कैसे हो गया? ओए मुझे क्या पता। ए भैया वैसे उसे टैंकर के अंदर कैसी गैस लीक हो रही थी, अजीबो गरीब भैया। ओए मुन्ना सही कह रहा है, हो सकता है उस गैस को सूंघ के ये बेहोश हो गया हो। हाँ भैया हो सकता है, क्योंकि यार आजकल पता नहीं कैसे कैसे केमिकल होते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है, तो हम इसको यहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। ओए मुन्ना सही कहा, चल फटाफट से। ए भैया रुको, मैं सिस्टर से बात करके आता हूँ। इसको एडमिट करा के आता हूँ। सिस्टर। हाँ बोलो क्या है? अरे सिस्टर यहाँ पे मेरे पास एक पेशेंट है जो कि पता नहीं बेहोश हो गया है। अरे उसको इतना खाना क्यों खिलाया कि बेहोश हो गया? अरे नहीं नहीं खाना नहीं खिलाया, वो पता नहीं ऐसे रोड पे मिला। अरे तुम क्या लगते हो उसके,
अरे मैं कुछ नहीं, लगता ये मुझे रोड पे पड़ाव मिल गया तो मैं आपको यहाँ मलक इस हॉस्पिटल में ले एडमिट कराने के लिए। अच्छा ठीक है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, ऐसे लोग लोग सेंट हाउस में हमेशा रहने चाहिए। अरे तो मैं कहाँ जा रहा हूँ तो गाय जानी, हमारे बिना तो हॉस्पिटल चलता ही नहीं है, अब बताओ क्या केस फंस चुका है। अरे सर इधर आइए, ये देखियो अजीबोगरीब केस आया है। जानी क्या केस आया है, इसको तो देख के लगता है कि पहले से ही मरा पड़ा है। अरे सर मर तो गया है लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये मरा कैसे। जानी इसके अंदर से अजीबोगरीब बदबू क्यों आ रही है, इसको जल्दी से यहाँ से डिसमिस करो और इसको जल्दी से भगाओ यहाँ से। अरे सर ठीक है सर, लेकिन हमें जानना तो चाहिए। अरे ठीक है, तुम लोगों को जो समझ आता है एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, लेकिन मुझे शादी में जाना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, हम आपको रिपोर्ट करते हैं इसकी बॉडी पूरी जांच करने के बाद। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट कर देना और मेरे को मेल कर देना। ठीक है जनी। ठीक है सर आप जाइए। आजकल के तो लौंडे काम भी नहीं करना चाहते, हमेशा प्रोफेशनल डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे यार ये भाई कितना बनता है खुद को डॉक्टर भाई, इस पेशेंट को उसने ढंग से देखा भी नहीं। ये पेशेंट कुछ अजीबो गरीब है, इसके ऊपर बॉडी पे कोई खरोज भी नहीं है लेकिन फिर भी ये मर कैसे गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये मर चुका है वैसे। अरे डॉक्टर साहब ये मर गया है तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसकी हमें चेकिंग करनी चाहिए। अरे इसका ब्लड सेल लेके जरा चेक करते हैं, आखिरकार इसके ब्लड सेल में ऐसा क्या है जिससे इतनी जल्दी मर गया और हमें पता भी नहीं चल रहा कि आखिरकार इसकी मौत की वजह क्या है। कोई जहरीली गैस की बदबू आ रही है इसके अंदर से, चलो उसकी चेकिंग करते हैं आखिरकार कैसा कोई केमिकल था क्या था जिसकी वजह से ये मर गया। डॉक्टर मुझे भूख लग गई है, मुझे भूख लग गई है, खाना खाना दे दो मुझे, मुझे खाना चाहिए, कहाँ हो मेरा खाना बोरा, मुझे खाना चाहिए खाना खाना। इनको मैं खाऊंगा खाना। ए भैया। ओए मुन्ना तेरे शॉपिंग के चक्कर में इतना दूर जाना पड़ रहा है। ए भैया शॉपिंग करना भी जरूरी है ना, यहाँ पे भैया बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है ना, इस ग्रोसरी शॉप पे भैया ऑफर चल रहा है, एक के ऊपर एक फ्री। भैया हम लेंगे एक हफ्ते का तो दो हफ्ते का ऐसी फ्री मिल जाएगा, चलो फटाफट से गाइस हम यहाँ पे ऑफर को ग्रैब करते हैं। ओए मुन्ने जल्दी करियो। ए भैया जा रहा हूँ मैं, तो चलो फाइनली गाइस हम जा चुके हैं इस ऑफर को ग्रैब करने, मेरी नजरों से कोई ऑफर बच नहीं सकता। वेलकम सर। ठीक है वेलकम तो होता रहता है, ये बताओ को इस पे ऑफर चल रहा है बाय वन गेट वन फ्री। अरे सर आप बिल्कुल सही टाइम पे, आप अभी जितनी भी चीज़ें उसमें से तुम एक भी चीज़ ले तो आपको एक बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। क्या बात है गाइस, मज़े आ गया, सही टाइम पे मैं पहुंच गया। तो ठीक है गाइस फटाफट से हम सारी खाने पीने की सामान ले लेंगे और मस्त तरीके से एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा, ये मज़े आ जाएगा फिर तो। यहाँ पे हर तरह का सामान भी खाने वाला, चलो। ओए मुन्ना सामान रख लिया। ए भैया रख लिया, ये तो भैया पूरे एक महीने का खाना हो गया, मज़े आ गया भैया, आज तो अपना राशन कम्प्लीट हो चुका है। ओए मुन्ना पैसे भी तो खत्म हो चुके हैं काफी। ए भैया हाँ यार नेक्स्ट मंथ से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, सारे डॉलर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। लेकिन चलो यार अभी तो अपना काम चल जाएगा। अरे यार भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, फटाफट से चलते हैं, मैगी लिए ना तुमने? अरे हाँ सेंचन मैंने मैगी भी ली और साथ में गाइस इसके अंदर एक से एक बढ़िया खाने की चीज है, जैसे कि ओए मुन्ना पिज्जा भी लिया क्या? ए भैया पिज्जा बना हुआ आता है, कच्चा वाला पिज्जा नहीं। अरे रस फैन तो लिया है ना? हाँ भैया रस फैन हो गया, तुम्हारा दूध हो गया, चाय पत्ती चीनी सब रख लिया मैंने, टेंशन वाली बात इश नहीं है। ओए मुन्ना तो चल जल्दी घर पे फिर बनाते हैं मैगी। ए दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले अपने घर पे, वैसे हम ग्रोसरी लेने बहुत ही ज्यादा दूर गए थे लेकिन कोई बात नहीं, आज तुमने बहुत ही ज्यादा पैसे बचा ही लिए। ओए मुन्ना ठीक है फटाफट से चलते हैं।
और घर तो आ गया। हाँ भैया घर आ चुका है। अरे हट जा बे। अरे यार ये तो मेरे से आगे निकल गया। ओए ये गड्डी किसने रोक दी? अरे यार भैया ये सामने क्या चल रहा है? ओए ये कौन सा भंगड़ा पाले डांस चल रहा है क्या? अरे भैया कोई प्रैंक है क्या? भैया प्रैंक चल रहा है, लग रहा कोई कैमरा मैन होगा यहाँ पे शो की शूट कर रहा होगा। अबे नल्ले अपने को प्रैंक करता है, मुझे पता है तू नकली है, जल्दी बता यहाँ क्या कर रहा है। ओए मुन्ना वो कर क्या रहा है? ए भैया ये डांस कर रहा है, कर क्या रहा है क्या? अरे बाप रे गाइस ये जॉम्बी तो नहीं कहीं? इसको ध्यान से देखो ये तो जॉम्बी लग रहा है। ओए मुन्ना अरे वो इन्फेक्टेड है, जल्दी भाग वहां से। अरे गाइस ये जॉम्बी कैसे आ सकते हैं लॉस सैंटोस में, अभी तो सब ठीक था। ओए मुन्ना ये इन्फेक्टेड हो रहा है वो देख, ओए उसके बाद वो जॉम्बी बन जाएगा। ए भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा जॉम्बी कैसे आ सकते हैं। अरे यार भैया ओए मुन्ना एक मिनट गड्डी को मोड़िए जरा, ओए लॉस सैंटोस के अंदर ले चल। ए भैया क्या बात कर रहे यार, चलें क्या? ओए मुन्ना यहाँ पे देख यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे यार भैया मुझे भी लग रहे हैं यहाँ पे। अरे बाप रे क्या भैया यहाँ पे जॉम्बी है? ओए ये जॉम्बी कहाँ से आ गए, अभी तो एक भी जॉम्बी नहीं था। अरे यार भैया ये लगता है कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ओए अभी तो हम गए थे ना यहाँ से, हमें एक भी जॉम्बी नहीं दिखा, अचानक से सारे जॉम्बी कहाँ से आ गए? अरे यार भैया ये कुछ एक घंटे के अंदर, एक दो घंटे के अंदर ये सीन हो चुका है, यहाँ पे जॉम्बी आ चुके हैं यार। अब क्या करें? ओए मुन्ना इससे पहले ये पूरे लॉस सैंटोस को जॉम्बी बना डाले, हमें जल्दी से मिलिट्री बेस को कंफर्म करना पड़ेगा। अरे हाँ भैया चलो फटाफट से गाइस, यहाँ पे कुछ एरिया में जॉम्बी फैले हुए हैं मुझे लग रहा है। अभी तो उस साइड जॉम्बी नहीं तो जहाँ से हम आ रहे हैं। ओए मुन्ना सही कहा, लेकिन ये अभी ये सबको इन्फेक्टेड कर देंगे और सारे के सारे जॉम्बी बन जाएंगे। अरे यार भैया उससे पहले मिलिट्री वाले को हम बता देते, फिर मिलिट्री वाले इन सबको भैया क्वारंटाइन कर देंगे। ओए सही कहा। ओए मुन्ना यहाँ के लोग तो मजे से घूम रहे हैं, इनको पता नहीं कि आगे जॉम्बी फैल चुका है। अरे यार भाई यार जॉम्बी वायरस फिर से लॉस सैंटोस में आ चुका है, लेकिन इन गाइस इन लोगों को पता ही नहीं है। इससे पहले इन लोगों को पता चले भैया मैं मिलिट्री बेस वालों को बता देते हैं। ओए मुन्ना इनको गोली मार, ऐसा करते मिलिट्री बेस में कैंप लग चुका होगा। ओए फटाफट से वहीं रुक जाएंगे। ए भैया सही कहा, मिलिट्री बेस में रुक जाएंगे, जान अपनी तो बच जाएगी। मुझे लगता है वायरस बहुत ही तगड़े तरीके से फैल जाएगा। ओए मुन्ना भी तो फैला नहीं है, लेकिन हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा मिलिट्री बेस में, साथ में हम मिलिट्री वालों को बता भी देंगे। ए भैया ठीक है यार, और हमें इनाम भी मिल सकता है। ओए बात तो तूने ठीक कही। अरे यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अरे सेंचनिस में मजे वाली क्या बात है, लॉस सैंटोस के अंदर जॉम्बी फिर से आ चुके हैं। अरे यार होगी भैया फिर से जॉम्बी का शिकार करेंगे और मजा आएगा। अरे यार ये क्या था गाइस, सिंचन तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि मुर्गी का शिकार करने वाला हो। अरे वो जॉम्बी है सिंचन, उसने तुम्हें भी खाट लिया ना, तुम्हें भी जॉम्बी बना देंगे। अरे यार होगी भैया कितने आप डरते हो, मैं नहीं डरता जॉम्बी से। अरे ऐसी बात है क्या सिंचन, तुम्हें नीचे छोड़ दूं क्या? अरे नहीं नहीं होगी भैया ऐसे मत करना। हाँ ठीक है तभी चुपचाप बैठो पीछे। ओए मुन्ना बस मिलिट्री बेस में पहुंचने वाले हैं। अरे गाइस ये लगता है लॉस सैंटोस के अंदर सारे के सारे जॉम्बी बने, उससे पहले हमें जाके मिलिट्री बेस को बताना पड़ेगा, फिर वो उन जॉम्बी को पकड़ के मार देंगे। ओए तुझे पता है एक अकेला जॉम्बी 5 जॉम्बी बना सकता है काट काट के। अरे यार भैया इस तरीके से तो ये जॉम्बी वायरस बहुत ही तेज फैलेगा, लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा। ओए जॉम्बी वायरस आखिरकार फैला क्यों होगा? ए भैया मुझे क्या पता है इतनी जल्दी कैसे फैल सकता है। ए चलो गाइस फटाफट से मिलिट्री बेस आने वाला है, फिर हम इन्फॉर्म करते हैं मिलिट्री बेस पे। ओए मुन्ना ये वाला कट है, ब्रेक लगा। अरे हाँ भैया ब्रेक लगा दिया। ए दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले मिलिट्री बेस में, और ये क्या यहाँ पे गाड़ी पलटी पड़ी है। ओए मुन्ना ये क्या है? अरे यार भैया यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियां है, और ये तो एक से एक बढ़िया भैया लग्जरी कारें हैं। ओए मुन्ना यहाँ पे भीड़ कैसे लगी है? अरे भैया मुझे पता करना पड़ेगा जाके। ओए पता कर क्या? ये दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लफड़ा लग रहा है मुझे। अरे यार ये क्या यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ी है। अरे रुक जा कौन हो तुम? अरे मेरा नाम आगी है और मैं लॉस सैंटोस का एक सिटीजन हूँ।
अरे वो तो ठीक हो, तुम अमीर हो क्या आप या गवर्नमेंट के कोई पॉलिटिशियन हो, बताओ जल्दी। अरे इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे ये बताओ जल्दी से, मुझे खबर देनी ज़ॉम्बी वायरस की। अरे अरे हमें भी पता है वायरस के बारे में, और गरीब फटीचर यहाँ नहीं आ सकते, जाओ। अरे यार ये क्या गाइस, इन लोगों को भी पता है वायरस के बारे में, और लगता है मुझे लॉस एंटोस के सारे अमीर आदमी और जितने भी रिच पर्सन है ऑलरेडी वो कैंप में घुस चुके हैं। ओए मुन्ना क्या हो गया, हमारी जगह नहीं मिले क्या? ए भैया उन्होंने बोला गरीब फटीचर के लिए कोई भी जगह नहीं है उस जगह में। अरे भैया अब क्या करें? एरियो की भैया मेरे पास एक आइडिया है। अरे बोलो सिंचन क्या आइडिया है? एरियो की भैया ऐसा करते हैं ना, हम खुद का बेस बना लेते हैं। अरे खुद का बेस कैसे बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे? ओए मुन्ना हमारे पास खाना भी है, ओए अभी वायरस इतना फैला भी नहीं होगा, अपने घर तक तो नहीं फैला होगा। हाँ भैया बात तो सही, कभी वायरस पूरी तरीके से फैला नहीं, बस स्टार्टिंग पे है। ओए हमारे पास एक महीने का खाना भी है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम अपने घर में बेस बना दें? अरे भैया क्या बात कर रहे, बेस बन जाएगा क्या? ओए बिल्कुल बन जाएगा। हाँ चलो गाइस चलते घर पे। ए फिर वहीं देखते भैया कोई आइडिया लगाएंगे, क्योंकि मिलिट्री बेस में तो जगह नहीं मिले हमें। फाइनली गाइस, अरे बाप रे एक ज़ॉम्बी भैया यहीं दिख गया। ओए छोड़िए मत उसे, लगता है ये सिटी से यहाँ पर आ गया होगा। ए भैया वायरस यहाँ पे कम फैलेगा, क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत ही कम लोग रहते हैं। हम भी भैया इधर रहते तो गाइस ये पहाड़ी वाले एरिया पे लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पे वायरस फैलने की उम्मीद कम है, और अभी वायरस धीरे धीरे बहुत टाइम लगाएगा फैलने में, उससे पहले हम खुद का एक बहुत ही बढ़िया बेस बना लेंगे घर पे, और हम सेफली घर में ही रहेंगे, क्योंकि यार मिलिट्री बेस वालों ने तो हमें भगा दिया भूखा नंगा समझ के। ओए क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे अमीर लोग पहले ही भर गए जाके, ओए तो जगह ही नहीं होगी ना। हाँ भैया ये बात भी तुमने सही कही यार, अब क्या हम करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं भैया, एक महीने का गाइस हमारे पास खाना है, तो जी भर के हम एक महीने का खाना खाएंगे। और भैया ओए मुन्ना एक महीने के लिए कितने बंदे खा सकते हैं? ए भैया हम तीनों का एक महीने का खाना है, टेंशन वाली बात नहीं। अरे अरे भैया तब तो सही है। ए भैया हम घर के अंदर सेफ रहेंगे, चलो फटाफट से। ये ओए मुन्ना वायरस यहाँ तक तो नहीं आया ना, एक बार चेक कर ले। अरे भैया रुको यार मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर चढ़ के, गाड़ी के ऊपर से। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई ज़ॉम्बी दिख रहा है। यहाँ पे भैया अभी तक कोई ज़ॉम्बी नहीं आया, मतलब कि गाइस वायरस यहाँ तक अभी फैला ही नहीं है। तो फाइनली गाइस हमने सारा खाना वगैरह फ्रिज व्रिज में रख दिया है। और भैया ओए मुन्ना मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अबे वायरस तो ज़ॉम्बी गेट खोल के भी आ सकते हैं, और हमारा घर तो पूरा ओपन है आगे से भी। अरे यार भैया बात तो तुमने सही की, अब क्या करें? ओए हमें फैंस की जरूरत पड़ेगी, और साथ में वेपन की भी। अरे हाँ वेपन और फैंस की तो गाइस अभी तुम्हारे पास टाइम है, क्यों ना भैया। ओए लेस्टर को कॉल मिला मुन्ना। ए भैया लेस्टर को कॉल करूँ क्या? ओए जल्दी कर, उसको बोल फटाफट से फैंस भी खरीद के लाए, और साथ में वेपन भी। हाँ भैया लेस्टर ये काम कर सकता है हमारे लिए। चलो गाइस मैं लेस्टर को मैसेज डाल देता हूँ, और गाइस फटाफट से लेस्टर अभी हमारे लिए लेकर आ जाएगा। ओए मुन्ना सही कहा, फटाफट से लेस्टर को कमीशन भी देना पड़ेगा। अरे भैया टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गाइस हमें फेंस की तो ज़्यादा ही जरूरत है, हमें घर को पूरा का पूरा सील करना पड़ेगा, नहीं तो ज़ॉम्बी कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा घर आगे से पूरा ओपन है। ए भैया लगता है लेस्टर आ चुका है घर पे, चलो देखते हैं। ओए मुन्ना रिंग तो किसी ने करा? ए गाइस चलो यार यहाँ पे बेल किसी ने बजाई, मुझे लगता है लेस्टर आ चुका है। ओके गाइस यहाँ पे लेस्टर आ गया। अरे योगी मैं आ गया भाई, तूने जो जो सामान मांगा था मैं वो लेकर आ गया। और यार ये ज़ॉम्बी वाला लफड़ा क्या है, मैंने सुना कि लॉस एंटोस में ज़ॉम्बी वगैरह आ रहे हैं। हाँ लेस्टर तुमने बिल्कुल सही सुना यार, ज़ॉम्बी का वायरस फैलने वाला है फिर से। वैसे तुम्हें नहीं पता क्या? अरे नहीं नहीं मुझे तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है। अरे तो जाओ यार। अरे मुझे भी अपनी वाइफ को बचाना पड़ेगा। अरे तो ठीक है आप फटाफट से जाओ अपने घर पे, और तुम भी अपने घर पे सेफ हो जाओ फटाफट से। अच्छा ठीक है मैं भी चाहता हूँ अपने घर पे फेंस वगैरह लगा के आराम से सुरक्षित हो जाऊँगा और सेफ रहूँगा। हे सही कहा, फटाफट से जाओ यार लेस्टर। ए वैसे थैंक यू लेस्टर काम आने के लिए, ओके बाय बाय होगी। ए भैया अब क्या करना हमें? ओए मुन्ना करना क्या है? ए भैया सबसे पहले हमें अपने घर की जगह देखनी होगी, जहाँ जहाँ पे हमें फेंस वगैरह लगाने हैं, क्योंकि भैया हमारा घर तो ऑलरेडी ओपन है ना। ओए बात तो तूने सही कही,
ए भैया चलो आप, सबसे पहले गाइस हम अपने घर को चेक करेंगे कि कहां कहां से ज़ॉम्बी घुस सकते हैं और कहां कहां पे हमें फेंस वगैरह लगा के इसको सेफ करना पड़ेगा। लास्ट टर्न वैसे हमें गन वगैरह भी दे दी तो टेंशन वाली बात नहीं है। गाइस ऐसा करते हैं, यहां पे सबसे पहले यहां से हमें फेंस यहां पे लगाना पड़ेगा भैया। ओए इधर पे ना। हाँ भैया सही कहा, इधर इस साइड पे, नहीं तो हमारे ज़ॉम्बी इस गार्डन में यहाँ से घुस सकते हैं। देखो यहाँ से गैप है। ओए ये क्या गिर क्यों रहा है? अरे भैया पैर फिसल गया मेरा। ओए और क्या करना है? अरे भैया यहाँ पे फेंस लगा के हमें सेफ करना है, उसके बाद में देखते हैं। और फिर यार यहाँ से चलो, समझ गया ना, समझ आ गया मुझे। चलो भैया अभी इधर आते। ओए कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया इधर आओ, पूरे घर को चेक करना भी। ज़ॉम्बी गाइस अभी भी हमारे एरिया में नहीं आए, तो फाइनली अभी हम सेफ और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है फेंस वगैरह लगाने का। और इस साइड में मुझे लगता है फेंस वगैरह क्यों ना लगा दी, लेसे जरूरत नहीं इधर, इधर तो दीवार काफ़ी ऊंची है। अब भैया अंदर की साइड देखते किधर किधर फेंस लगेगी। तो गाइस सबसे पहले फेंस तो स्विमिंग पूल के सामने वाले एरिया में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला एरिया तो पूरा का पूरा ये ओपन है, यहाँ से ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं, तो हम नहीं चाहते ज़ॉम्बी सामने से और हमारे भी ज़ॉम्बी बना दे। तो गाइस सबसे पहले मुझे सारे फेंस आगे की साइड कवर करने पड़ेंगे और इस साइड भी फेंस लगा देंगे। ओके इस तरीके से हमारा घर पूरा सेफ हो जाएगा और ज़ॉम्बी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मुझे इस कोने पे भी फेंस लगाना पड़ेगा। ओए मुन्ना कहाँ का फेंस लगेगा, देख लिया ना? ए भैया हाँ मैंने कन्फर्म कर लिया है पूरा फेंस का, अब बस हमें फेंस अब लगाने फटाफट से। गाइस हम लगाएंगे फेंस, ये हे ओए फेंस तो सही लग गया है। ए दोस्तों गाइस यहाँ पे फेंस लग चुके हैं और फेंस लगाने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और गाइस फेंस लगाते ही देख रहे हो ना, लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी आना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि धीरे धीरे करके वायरस अब यहाँ तक फैल चुका है। और वो देखो गाइस ज़ॉम्बी आ रहे हैं। लेकिन हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फेंस लगा दिया है, तो ये ज़ॉम्बी इस फेंस को कभी नहीं तोड़ सकते भैया। ओए मुन्ना सही कहा। ए दोस्तों यार मुझे चेक करना है पूरा फेंस तो सही से लगाना, क्योंकि बाद बाकी फेंस सिंचन और जैक भैया ने भी लगाया, ये वाला ठीक लगा वैसे। ओए मैंने जो लगाया ना ज़ॉम्बी वहां से आ ही नहीं सकते, समझ गया ना? अरे यार भैया मैंने भी बहुत ही बढ़िया फेंस लगाया। अरे ठीक है गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप हो रहा है, इधर से आना चाहे कहीं नीचे से झुके। ओए ज़ॉम्बी के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है? हाँ भैया दिमाग तो नहीं होता। चलो गाइस मुझे इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। और कहा तुम जो गड़बड़ी छोड़ रखी है भैया। ओए मुन्ना मैंने तो सही जगह सिंचन ने नीचे लगाया था, देख ले एक बार। ए गाइस ये क्या भैया, यहाँ से ज़ॉम्बी आ रहा है और ये देखो अंदर भी घुस गया। अरे यार ये ज़ॉम्बी तो भैया पूरा अंदर घर में घुस गया, ये किसने फेंस लगाया यहाँ पे, इतना बड़ा गैप छोड़ रखा है। अरे योगी भैया ये तो मेरे से गलती हो गई। अरे सिंचन गलती तो गई, बिल्कुल जल्दी इसको सही करो, नहीं तो ज़ॉम्बी हमें भी ज़ॉम्बी बना देंगे। ओए मुन्ना स्विमिंग पूल के सामने क्या बढ़िया लगा है ना। हाँ भैया इधर की साइड का फेंस तो काफी सही लगा, इधर से ज़ॉम्बी नहीं आ सकते अंदर। ये वाला एक नंबर भैया। ओए मुन्ना सही कहा ना। ए दोस्तों फाइनली फेंस वगैरह तो यहाँ पे मस्त तरीके से लग गया है मुझे लगता है। ओए मुन्ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार भैया मेरे यहाँ पे तो पूरा फेंस मस्त तरीके से कवर कर दिया है, अब ज़ॉम्बी अरे यार आ चुके हैं भैया, देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बी गाइस फेंस के पास आ गए। अबे ए इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। ओए मुन्ना भून दे के को। अरे यार भैया इतने सारे ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं। ओए मुन्ना छोड़िए मत इनको, भून दे। अरे यार भैया मारा मैंने इनको गोली, ये देखो एक ही बार में कैसे उड़ाया। अरे ये तो फिर से खड़े हो गए। अरे यार ये क्या गाइस, ये तो फिर से खड़े हो गए, ऐसे तो मेरी एमओ भी जल्दी खत्म हो जाएगी। ओए मुन्ना एमओ तो खत्म ही हो जाएगी। अरे यार भैया तो फिर इन्हें कैसे मारूं, ये तो मर भी नहीं रहे जल्दी। ओए मुन्ना इनको भी पट्टे से हेडशॉट दे, फिर ये मरेंगे। अरे भैया हेलो हेलो इसको पूरा हेडशॉट कर दिया मैंने और ये बीच में फंस गया के। हेलो ओए मुन्ना ज़ॉम्बी अगर फेंस नहीं होता ना बीच में तो आज तो अपनी वाट लग गई होती। अरे भैया सही कहा, लेकिन भैया चलो अपन अभी सेफ है घर में अपने। ओए मुन्ना ठीक कहा। भैया देख रहे हो इन सारे ज़ॉम्बी को मैं छोड़ने वाला नहीं, एक एक को भून दूंगा। ओए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है मुन्ना। ये भैया बहुत ही सही काम है। चलो गाइस अभी मैं देखते हैं सामने से फेंस से ना हो जाए। ओए सामने वाली जगह से टेंशन, मतलब वहां से ज़ॉम्बी तो कम ही आएंगे। अरे भैया दो मिनट रुको भैया, जब तक मैं स्विमिंग पूल की साइड देख लेता हूँ। ये भैया देख लो गाइस यार यहाँ पे देखो ज़ॉम्बी का लगता है वायरस बहुत ही तगड़े तरीके से फैलते जा रहा है।
क्योंकि एक जॉम्बी पूरे 5 जॉम्बी को इन्फेक्टेड करता और 5 से गाइस हो सकते हैं, 5 कितना होगा? अरे बाप रे, मेरे से तो कैलकुलेशन भी नहीं हो रही, इतने ज्यादा होने वाले इन्फेक्टेड। और ये देखो घर के सामने यहाँ पे कितने सारे जॉम्बी है, अगर मैं इनको पट्टे से हेडशॉट दूं तो एक ही बार में फिनिश हो जाएंगे, और मुझे ऊपर से शॉट भी काफी अच्छा मिल रहा है छत से, तो गाइस यहाँ पे बहुत ही सही है। और इस साइड वाले जॉम्बी को मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया ओए मुन्ना मैं आ गया। ए भैया ऑल क्लियर ना? ओए वहां से ऑल क्लियर, बस ये सामने वाले जॉम्बी को फिनिश कर। ए भैया ठीक है गाइस, मैं इनको फटाफट से यहाँ से फिनिश करता हूँ ये। और लगता है सारे जॉम्बी गए, फिलहाल तो गाइस मैंने सारे जॉम्बी को मार दिया है, एक बस लास्ट वन इधर है और एक ये रहा और एक इस साइड में ये रहा। ये भी गया। और गाइस यार ऑलमोस्ट सारे जॉम्बी का गेम बच चुका है। मुझे लगता है अभी कोई जॉम्बी नहीं है चूंकि हमारे घर के पास होंगे, थोड़ा सा अब टाइम मिल गया फिर से। एक ये रहा लास्ट, यार ये ले, ये भी गया और फाइनली दे रो गाइस ये फिर से उठ रहा है, ये ले अब तो फिनिश पूरा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फेंस के पास जॉम्बी थे सबको मैंने ठिकाने लगा दिया है, अभी तो फिलहाल के लिए भैया जॉम्बी का आना बंद हो गया। अरे यार की भैया बहुत ही सही, मैंने भी शॉट लगाए। अरे सिंचन यार यहाँ पे जॉम्बी का बहुत ही खतरनाक मेला जैसा लग चुका है। ठीक है तो गाइस चलो अभी चलते हैं अंदर और भैया खाना होना खाते हैं फटाक से, मैगी वैगी बना के फिर देखते हैं भैया आज की रात कैसे निकलेगी। ओए मुन्ना रात तो बहुत ही डरावनी होने वाली है क्योंकि हमारे घर के अगल बगल में जॉम्बी जो हैं। अरे हाँ भैया जॉम्बियों के साथ गाइस आज हम सोने वाले हैं, लेकिन बस ये कि वो अंदर नहीं, हमारे घर में हम सेफ हैं। गाइस यार रात हो चुकी है और रात में भी मैं पहरे दे रहा हूँ, कहीं जॉम्बी यार कोई जाली तोड़ ना दे, वैसे टूटेगी ही लेकिन गाइस चढ़ के ऊपर से आ ना जाए, तो मैं यहाँ पे पहरेदारी दे रहा हूँ। कोई जॉम्बी आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। अरे योगी भैया ऑल क्लियर, कोई जॉम्बी नहीं आ रहा है। ओए मुन्ना मैंने भी चेक कर लिया। गाइस यहाँ पे जॉम्बी नहीं आ रहे और फाइनली गाइस जो कि हमने सुबह के टाइम जॉम्बी मारे थे वही जॉम्बी है और कोई नया जॉम्बी नहीं आ रहा है। भैया तो फिलहाल हम सेफ हैं। ओए मुन्ना सही कहा। ओए भैया ये किसका मैसेज आया? अरे बाप रे ये क्या भैया? ओए क्या मैसेज में था? अरे भैया मैसेज में माइकल यार एक स्टोर में फंस गया है। ओए माइकल स्टोर में फंस गया, उस नुबड़े को मरने दे। अरे भैया नहीं नहीं यार वो हमारा दोस्त है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ओए तो कौन बचाने जाएगा अपनी जान जोखिम में डाल के? अरे यार भैया अभी मैं क्या करूं, मुझे ही जाना पड़ेगा। ओए मुन्ना मत जा। ए भैया मुझे जाना पड़ेगा, लगता है गाइस रात हो रही है और जॉम्बी बहुत ही कम है सिटी में। ओके भैया मेरे को जाना पड़ेगा माइकल को बचाने के लिए, माइकल ने भी हमारी बहुत मदद की। भैया मैं जा रहा हूँ। ओए माइकल ने कब मदद कर दी? अरे भैया जो भी माइकल हमारा दोस्त है, तो गाइस मैं अपनी गाड़ी निकाल चुका हूँ। ओए मुन्ना ख्याल रखियो। ए भैया ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ माइकल को बचाने के लिए। माइकल एक स्टोर में फंस चुका है, मुझे पता वो स्टोर कौन सी लोकेशन में, तो मैं जा रहा हूँ माइकल को स्टोर से निकालने के लिए। वैसे गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा ताजुब हो रहा है क्योंकि यार जब मिलिट्री बेस में गए थे तो मिलिट्री बेस में सारे के सारे लॉस सैंटोस के अमीर लोग पहले से जाके मिलिट्री बेस में कैंप बना चुके थे और हमें एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा आदमी तो माइकल भी है, माइकल मिलिट्री बेस में क्यों नहीं गया? जो भी है गाइस लगता है माइकल कुछ लफड़े में होगा, चलो उसके पास चलते हैं। आखिरकार माइकल मिलिट्री बेस में गया तो गया क्यों नहीं? अब तो माइकल मिलेगा, वही हमें इसका जवाब दे सकता है कि वो जनरल स्टोर में कर क्या रहा है, और यार उसको तो स्टोर में खाने खरीदने की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा है कि उसके नौकर वगैरह ही खरीद के उसको ला के दे देंगे। आखिरकार वो कर क्या रहा था जनरल स्टोर के अंदर, चलो फटाफट से हम चलते हैं। अरे यार गाइस यहाँ पे देर हो रात है तो जॉम्बी थोड़े कम हो चुके हैं, अभी जॉम्बी मुझे इतने नजर नहीं आ रहे, लेकिन लॉस सैंटोस की सड़कें पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। अरे यार कितना डरावना हो चुका है गाइस, ये देर हो इतनी टाइम रात में, इतनी रात भी नहीं हुई है, अभी थोड़ा सामने का टाइम है, लेकिन गाइस यहाँ पे इतनी लोगों की भीड़ होती थी, आज तो इन सड़कों पे जॉम्बी घूम रहे हैं। ओके गाइस कैसे भी करके मुझे माइकल को बचाना पड़ेगा। फाइनली मैं पहुंचने वाला जनरल स्टोर पे। जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले जॉम्बी लोग मेरी खुशबू ले ले और मेरे पीछे पीछे आ जाए। यार ये वाला एरिया भी खाली है, देखते हैं माइकल है कहाँ पे। अबे माइकल एक नंबर का डरपोक है, मैं क्या बोलूँ यार। ये वाला जनरल स्टोर है क्या? अरे ये तो कोई स्टोर नहीं लग रहा, यहाँ पे तो फैक्ट्री है।
आई थिंक यहीं पे स्टोर सामने ही तो था यार। ओके, सामने वाले रोड पे स्टोर है, चलो वहीं पे चलता हूँ। ए माइकल, माइकल किधर है तू? माइकल गाइस, यार स्टोर जहाँ पे माइकल ने मुझे बोला था मैं, और यार माइकल इधर है कि नहीं है मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं। हाँ गाइस, धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, उनको मेरी मैक चली गई है। और ये दरवाज़ा खोलता हूँ फटाक से। अरे माइकल किधर है तुम? अरे यार आगी, मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे बचाने आएगा। अरे ठीक है माइकल, चल जल्दी चल भाई मेरे, यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। अरे आगी वाह, मेरा दिल तो तूने खुश कर दिया, वाह मजे आ गया। अरे बहुत ज्यादा माइकल खुश हो रहा है क्योंकि मुझे तुझे बचाना था यार मेरे, फटाफट से निकलते। अरे आगे मार इसको। अरे मार दिया भाई, यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बी है, चल निकलते हैं। वाह बहुत ही बड़े, क्या कर दिया? अरे यार ये क्या हो रहा है गाइस, यार यहाँ पे इंजन पे लगता है। अरे यार इंजन पे चोट लग गई है क्या? अरे यार ये क्या बात कर रहे हो? अरे गाइस यहाँ पे गाड़ी थोड़ी मेरी मिसबिहेव कर रही है, ये क्या हो रहा है? अरे रे रे कुछ मत करना, जल्दी लेके चलो घर पे। अरे यार ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे होते? अरे ये गाड़ी तो चली नहीं रही है। अरे नहीं, आज से तुम यहाँ फंस जाएंगे, अब हम कैसे जाएंगे? अरे गाइस यहाँ पे तो हम फंस चुके क्योंकि ये गाड़ी हो चुकी खराब, अब हमारे साथ क्या होगा? हम भी ज़ॉम्बी ना बन जाए कहीं। गाइस पार्ट 2 के लिए कमेंट करो फटाफट से, ये क्या करेंगे।